इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डोमिनेट्स ग्लोबल लीडर्स अप्रूवल रेटिंग। पीएम मोदी ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग में नंबर वन हुए। He is the most popular world leader for a reason। और इस रैंकिंग में ये बताया गया है कि भारत के वजीर आजम मोदी दुनिया के नंबर वन पॉपुलर लीडर हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी को दो तीन बड़े एडवांटेज हैं। एक एडवांटेज ये है कि वो करप्ट नहीं है। लीडर्स की रैंकिंग हुई है और सर्वे के मुताबिक नंबर वन रैंक पर आए हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। सेकंड एडवांटेज ये है बड़ा, ही इज अ नॉन डायनेस्टिक फिगर। ही इज अनबिलीवेबल विजनरी एंड हिज लेवल ऑफ कमिटमेंट टू द पीपल ऑफ इंडिया इज जस्ट इंडिस्क्राइबेबल एंड डीप एंड पैशनेट एंड रियल एंड ऑथेंटिक। इंडिया का एग्जांपल है 2016 में नरेंद्र मोदी ने यही चीज सोच के नोटबंदी की थी और उन्होंने 500 और 1000 रुपए का नोट को उन्होंने कहा था हम इसको डीमोनेटाइज कर रहे हैं। उनका मतलब ये था कि ये नहीं था कि करप्शन को ख़त्म करो या इस किस्म की चीज़ को ख़त्म करो। उनका रियल इशू ये था कि वो कह रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर बड़े नोट छप रहे हैं हमारे और वो जाली नोट्स आ रहे हैं और वो टेररिज्म कश्मीर के अंदर फाइनेंसिंग के लिए कर रहे हैं। एक तो रियल रीजन प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो अप्रूवल रेटिंग है या आप ये कह लें कि उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो 75% है। दैट्स समथिंग वेरी बिग थिंग फॉर कंट्री लाइक इंडिया के जहाँ पे एक वजीर आजम जो है जो पिछले 10 साल से रूल कर पे जिस तरह से नरेंद्र मोदी है 75% अप्रूवल रेटिंग के साथ यूएस को भी पीछे छोड़ चुके हैं, वैसे हम कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज से पीछे है। वेस्टर्न कंट्रीज सुपर पावर्स का मुकाबला, उनके लीडर्स का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी इंडिया ने वेस्टर्न कंट्रीज को भी पीछे छोड़ दिया उस बारे में हमारी आवाम क्या कहेगी। और इस पूरी रेटिंग्स में कहीं पाकिस्तान का नाम नहीं आया, तो पाकिस्तान इस वक्त कहां स्टैंड कर रहा है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इस वक्त कहां स्टैंड कर रहे हैं। इस रेटिंग में पाकिस्तान का नाम ही शामिल नहीं है। फर्स्ट रैंकिंग पर नरेंद्र मोदी है सुपर पावर्स को पीछे छोड़ते हुए। मैम, लीडर्स की रैंकिंग हुई है नंबर वन रैंक पर, 75% रेटिंग अप्रूवल के साथ नरेंद्र मोदी आए हैं। यूएस पांचवें नंबर पे आया है, मैक्सिको सेकंड नंबर पर, इटालियंस जो है वो थर्ड नंबर पर, ब्राजील फोर्थ नंबर पर। तो नरेंद्र मोदी फर्स्ट नंबर पर आए हैं यूएस को पीछे छोड़ते हुए, आप क्या कहोगे? आई थिंक लाइक पर्सनली तो अगर इंडिया के लिए देखें तो ही इज़ अ वेरी गुड लीडर एंड ऑब्वियसली इज़ मेकिंग दैट गो अहेड। सो बिंग नेशन, उनकी नेशन तो ऑब्वियसली यही सपोर्ट करेगी। एंड क्या किया उन्होंने उनके अपनी नेशन के लिए किया, बिकॉज बेसिकली उनके लिए लाइक हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट इज़ अ मेजर थिंग। सो जब वो उसको प्रमोट करते हैं, जो कोई लीडर भी उसको प्रमोट करता है, दे लाइक इट एंड दे लाइक टू हेयर अबाउट इट। उनकी मेजर पॉपुलेशन आई थिंक इज़ नॉन मुस्लिम। So that's why they prefer it. मैं ये समझता हूँ जब तक अगली इलेक्शन नहीं हो जाती इंडिया की और नरेंद्र मोदी साहब वापस आ जाते हैं या नहीं आते, उस वक्त तक कोई बड़े कदम नहीं उठाए जाएंगे हमारी तरफ से। अच्छा। इस वक्त हमें हिंदुस्तान का भी मौकफ जो है पाकिस्तान के बारे में बड़ा टफ है और वो आपको कोई रिलीफ नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि हम तो रिलीफ चाह रहे हैं ना ट्रेड के साथ, कि जिन जिन चीज़ों की यहाँ कीमतें ज़्यादा हैं अगर हिंदुस्तान से अक्रॉस द बॉर्डर आ जाती हैं तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, स्पेशली फूड इन्फ्लेशन। तो इस किस्म की इश्यूज़ हैं। देखिए आप सोचिए तो सही आप आयशा, कि हम हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो तजारत है उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं, वो पूरी फुल फ्लेश हमारे दरमियान, हम सारा सड़क तो हमारे दरमियान, हाँ, ब्रिज है हम दोनों, हम ब्रिज है, तो वो उनके दरवाजे हमने नहीं बंद किए। अफगानिस्तान और इंडिया को हम वो फायदे ले रहे हैं, वो लेकर कर रहे हैं और हम लेके बैठे हुए कि हम नहीं करेंगे, ये मतलब सोचिए तो सही। तो मतलब है कि इसमें बहुत सी खामियां हैं हमारी करंट पॉलिसी में, और अगर ये तब्दील होती है तो इसमें फायदा ही फायदा है, नुकसान नहीं है। प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो अप्रूवल रेटिंग है या आप ये कह लें कि उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो 75% है। दैट्स समथिंग वेरी बिग थिंग फॉर कंट्री लाइक इंडिया के जहाँ पे एक वजीर आजम जो है जो पिछले 10 साल से रूल कर रहा है, 10 साल से, नॉट 2 साल 4 साल। वी कॉल इट एज एन इनकम्बेंसी फैक्टर, एक इनकम्बेंसी फैक्टर होता है फॉर इन पॉलिटिक्स। उस इनकम्बेंसी फैक्टर को भी उन्होंने बिल्डोज कर दिया नरेंद्र मोदी ने, उनकी पॉलिटिक्स ये। और क्वेश्चन ये है कि जारी बात है जिसे वो कहते हैं ना कि बहुत सारे पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, बड़े सारे मसाइल हैं, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को दो तीन बड़े एडवांटेज हैं। एक एडवांटेज ये है कि वो करप्ट नहीं है। सेकेंड एडवांटेज ये है बड़ा, इज़ अ नॉन डायनेस्टिक फिगर।
नॉर्मली अगर आप देखें कि बाकी जो साउथ एशिया सारे को देख लें, पाकिस्तान में भी इट्स ऑल अबाउट डायनेस्टीज, बांग्लादेश डायनेस्टी, नेपाल में, भूटान में, श्रीलंका में जो क्राइसिस आया डायनेस्टीज थी, ठीक है जी। सो ये जो चीज़ें हैं, सो ही इज़ अ नॉन डायनेस्टिक फिगर, प्लस ही इज़ नॉट करप्ट। इंडिया इज़ अ थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इको सिस्टम जो है, 3 लाख स्टार्टअप आए हैं। सो वो अपने आप को दे हैव सो मच टू टेल। मतलब मुझे याद है कि हमारी जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, जब ये इलेक्शन हुए 2024 के, सो द पॉलिटिकल क्लास वर टॉकिंग, हमने 10 साल पहले ये किया, हमने 20 साल पहले ये किया, हमने 30 साल पहले ये किया। ओ भाई, दिस इज ऑफ टुडे, यू हैव टू टॉक व्हाट्स देयर टुडे, ठीक है जी। सो ये जो चीज़ें हैं जो इंप्रूविंग का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और बहुत सारी और चीज़ें हैं। सो मिडिल क्लास के हवाले से कि जी बड़ी हमारी बड़ी तगड़ी मिडिल क्लास है, और इंडियन इकोनॉमी के हवाले से वो अपने आप को वो कहते हैं कि भाई हमने बहुत कमाल कर दिया। देखें, एक 10 साल का रिकॉर्ड उनका ये है नरेंद्र मोदी का कि $600 बिलियन की फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है 10 सालों में, 2014 से लेकर 23 तक $600 बिलियन। सनो, हम पाकिस्तान के अंदर सेलिब्रेट कर रहे हैं 10 सालों में $25 अरब आए हैं चीन से, तो साढ़ा जो है ना सार नहीं खुलंदा पे, हमारा सांस जो है ना फूल गया। और उधर $600 अरब की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है मोदी साहब के दौर के अंदर, $600 बिलियन। अब आप इमेजिन कर लें कि वो जितनी SMEs हैं, छोटी स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, और फिर मेक इन इंडिया, ठीक है जी, उसमें वो कहते हैं कि जी हमने कोई $800 अरब की एक्सपोर्ट जो है वो की हुई है। मतलब डिफरेंट डाटा वो शेयर करते हैं, बट ऑब्वियसली ये क्वेश्चन ये है कि वो, एंड देन डिजिटल इंडिया उनके पास एक है कि जी भारत नेट UPI, अब UPI जो है वो फ्रांस, सिंगापुर, UAE, नेपाल, भूटान वगैरह में भी UPI पेमेंट सिस्टम है। सो ये चीज़ें जो हैं, देन वो आपको पता है जो 370 की एब्रोगेशन है, ये जो दे कॉल इट एज एंड ऑफ द ईरा ऑफ एक्सक्लूजन, कि ये भाई ज़माना ख़त्म हो गया, आप ये बातों को छोड़ दें। सो वो अपनी जो गारंटीज देते हैं, so it means Kashmir and is one of the most important thing that ke unhone jo apne 10 guarantees di hain usme Kashmir ka bhi zikr hai. Jo Modi ki guarantee hai, mere hale 10 se ek important guarantees hai. Prime Minister Modi ki jo website hai wo ye kehti hai ke bhai wahan pe unhone ye cheeze mention ki hui hain ke hum kya cheeze batane ja rahe hain, aur wo jise kehte hain na farmers jo hain, आपको पता है फॉर्मर्स एक बड़ा पोलिटिसाइज इशू है इंडिया के अंदर, वो इस सेंस में कि बहुत सारी मूवीज़ भी बनी हैं कि जी वो सुइसाइड कर लेते हैं, एंड बहुत सारी इस तरह की चीज़ें उनके अंदर हैं। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि इंडिया जो है, इंडिया के पास ज़मीन इतनी ज़्यादा है, इंडिया के पास ज़मीन इतनी ज़्यादा है कि वो तो पूरे के पूरे मिडल ईस्ट या पूरे पूरे खत्ते को आटा दे सकता है, रोटी दे सकता है। हमारी बदकिस्मती देखें पाकिस्तान की, कि हम अपने आप को एग्रीकल्चर मुल्क कहते हैं, हम इंडस्ट्रियल मुल्क नहीं है, एग्रीकल्चरल कहते हैं, और आटा जो है इम्पोर्ट कर रहे होते हैं, कई दफ़ा चावल इम्पोर्ट कर रहे होते हैं, पहले एक्सपोर्ट करते हैं फिर इम्पोर्ट करते हैं, पैसे कमाते हैं ना हमारे जो लोग हैं। सो ये किसान क्रेडिट कार्ड उन्होंने शुरू किया, मुझे तो लग रहा है कि वो इंडिया को फॉलो करते हुए हमारी जो पाकिस्तान के अंदर मरियम नवाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने भी नवाज शरीफ क्रेडिट कार्ड जो है वो शुरू कर लिया है। इससे पहले हेल्थ कार्ड था। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी स्मार्ट वे ऑफ टेलिंग पीपल दैट यू आर इम्पॉर्टेंट।